हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस समय रसिया के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर हमने पहले भी आपको अपडेट दिया था कि रसिया की जो एयरलाइंस कंपनी है एरोफ्लोट, उसने भारत से अपनी उड़ानों को चालू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी अच्छी खबर आ गई है कि भारत की एयर इंडिया भी रसिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। 27 फरवरी से यहाँ पर एयर इंडिया जो है अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगी। ये एक महीने के लिए एयर इंडिया सप्ताह में एक उड़ान रखने वाली है, यानी कि हर शनिवार को एयर इंडिया जो है यहाँ पर नई दिल्ली एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली है, और यहाँ पर संडे को जो है मॉस्को से फिर नई दिल्ली के लिए वापसी की फ़्लाइट भी रहेगी। एयर इंडिया की ये जो फ़्लाइट है, ये नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट की जा रही है, जिसमें दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को मंजूरी मिली हुई है कि रसिया की एयरलाइंस कंपनी भी भारत में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत की एयरलाइंस कंपनी जैसे कि एयर इंडिया भी यहाँ पर रसिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने रसिया के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट अभी फरवरी महीने में ही साइन किया था, और अब तक भारत सरकार ने टोटल दुनिया के 25 देशों से एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो लोग रसिया के लिए ट्रैवल करने वाले हैं उनको यहाँ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप रसिया के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो आपको कोरोना का टेस्ट है, जो कि आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा भारत के किसी भी ऑथराइज लैब से। जो भी ICMR अप्रूव्ड होगा वहाँ से आपको कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेना है। इसके साथ साथ आपको रसिया के एक वेबसाइट यूनिफाइड सर्विस पोर्टल नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और यदि आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद ही आप रसिया के किसी भी फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा रसिया जाने के लिए जो आपको नॉर्मल बेसिस पर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वीज़ा और बाकी सभी कागजात, वो आपको लेकर जाने जरूरी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रसिया को लेकर एक जरूरी जानकारी। बहुत सारे लोग आप में से रसिया को लेकर जानकारी मांग रहे थे, तो अब यहाँ पर एयर इंडिया भी जो है रसिया के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग भी रसिया के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं जो रसिया के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।